उत्तराखंड पर करोड़ों के कर्ज के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। दरअसल पिथौरागढ़ में कर्ज के बोझ तले दबे किसान की आत्महत्या के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर करोड़ों के कर्ज के साथ ही हर व्यक्ति पर 45,000 के कर्ज की बात कही थी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा था कि 11 लाख का कर्ज है। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदेश पर कर्ज के लिए बीजेपी की सरकारें जिम्मेदार हैं। बीजेपी के 6 साल 6 महीने की सरकारों ने प्रदेश को 28,000 करोड़ के कर्ज में धकेल दिया है, जबकि कांग्रेस की 10 साल की सरकारों ने महज 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। देखिए, जिस प्रकार कल एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उस पर 1.25 लाख रुपए का किसान ऋण था और उसको नोटिस मिल रहा था, वो नहीं चुका पाया तो आत्महत्या कर ली। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि उत्तराखंड पे भी 45,000 करोड़ का कर्ज है और मुझ पर भी 11 लाख करोड़ का कर्ज है। क्या इस प्रकार का हास्यास्पद बयान उनको देना चाहिए था किसी की मौत पे? आप सीधे सीधे बोलिए कि हम कर्ज माफ करेंगे सभी किसानों का, नहीं करेंगे। ऊपर से आप कहते हो कि एक जो ऋण है, जो कर्ज है उत्तराखंड पर, वो सारा कांग्रेस ने, हरीश रावत ने इस पे उत्तराखंड को दिलाया। सूबे के कर्ज पर सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना तो उसे उत्तर प्रदेश से विरासत में 4,000 करोड़ का जिम्मा मिला। 16 महीने की भाजपा सरकार, जिसके दोनों मुख्यमंत्रियों स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी ने 3,000 करोड़ का कर्ज और लेकर कुल कर्ज 7,000 करोड़ पर पहुंचा दिया। कांग्रेस का दावा, बीजेपी के 6 साल 6 माह की सरकारों ने प्रदेश को 28,000 करोड़ के कर्ज में धकेला। कांग्रेस की 10 साल की सरकारों ने 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। 2002 के चुनाव के बाद कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में 5,000 करोड़ का कर्ज लिया और उत्तराखंड का कुल कर्ज 2007 तक 12,000 करोड़ हो गया। 2007 के चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी। पहले भुवन चंद्र खंडूरी और फिर रमेश पोखरियाल निशंक और फिर भुवन चंद्र खंडूरी की सरकारें रहीं। इन सरकारों ने 5 साल में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। 2012 तक उत्तराखंड पर कुल कर्ज 37,000 करोड़ हो गया। 2012 के चुनाव में फिर से कांग्रेस ने वापसी की। विजय बहुगुणा और हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। इस दौरान 5 साल में कुल 7,000 करोड़ का कर्ज लिया गया। दो हजार सत्रह में भाजपा के फिर सत्ता में आने तक प्रदेश पर कुल कर्ज 42.5 हजार करोड़ हो गया है।